है 1 जुलाई और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अनय का आज बर्थडे है तो उनकी मम्मी ने कुछ सरप्राइज रखा है और वो भी सो रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:20, तो ये बैलून फुलाया गया है, उसको मज़ा आएगा ये सरप्राइज में। तो यहाँ जो है गेट पे मैं हैप्पी बर्थडे का टैग और ये बैलून्स लगा रहा हूँ ताकि वो जब अंदर से गेट खोलेगा तो उसको ऐसे सरप्राइज़ मिले। बट ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये पूनम ने आइडिया सजेस्ट किया कि ऐसे करके किया जाएगा। तो ये अनय अभी बाहर निकले, इनका तो मज़ा आ गया सरप्राइज़ हैप्पी बर्थडे का। तो ये सब मेमोरीज़ हैं जो उसको हमेशा रहेंगी ऐसी ध्यान में। जल्दी चलो। तो बस स्कूल की तैयारी है। आज अनय भैया तो तैयार होकर निकले हैं हैप्पी बर्थडे बॉय बनके, और यहाँ आरू भी उड़ गई है, आरू को दीदी घुमा रही है, और यहाँ पे पिछली बार मैंने देखा था सांप। तो यहाँ पूनम डेकोरेशन के काम में लगी हैं। हमने बहुत सारे शॉप्स ढूंढे, पहले हमने वो पीछे जो स्क्रीन होता है वो ढूंढ रहे थे झालर जैसा, बट वो हमें मिला नहीं क्योंकि बहुत सारे जगह अलग अलग जगह पे हम लोग देख के आए, बट वो मिला नहीं। तो फिर हमने सोचा सिंपल ही इसको रखा जाए, तो एक वाइट कैनवास लगाया, उसके ऊपर ये सब चीज़ें हम पुटअप कर रहे हैं, बैलून्स, फिर वो टैग्स, उसको अच्छे से डेकोर कर देंगे तो हो जाएगा। हालांकि अनय इस साल बोल रहा था उसे बर्थडे पार्टी नहीं मनाना है, बट ऐसे थोड़ी होता है, सोसाइटी में बच्चे लोग हैं इतने सारे। तो पूनम ने अच्छा सारा डेकोरेशन कर लिया इसका, और डेकोरेशन के मामले में तो इसका दिमाग बड़ा तेज चलता है पूनम मैडम का, बस हम हाथ बटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें का आइडिया कैसे लगाना है, क्या करना है, इन सब में ये माहिर है। और दूसरा कि इनके फैमिली बहुत बड़ी है, तो उनके यहाँ तो रोज़ कोई ना कोई किसी का न किसी का बर्थडे आता ही था, तो इसके लिए वो सब बर्थडे के डेट भी उसको याद रहते हैं, तो बहुत ताज्जुब है। और सब भी शाम को बज गए हैं 7:30, सारे बच्चे लोग आ गए हैं, ये सब सोसाइटी के बच्चे हैं, सब साथ में खेलने वाले, पुष्कर डांस करके दिखा रहे हैं उधर देख के, उधर गलती से मिस्टेक पे। तो इस तरह के सारे बच्चे थोड़े थोड़े परफॉर्मेंस करने वाले हैं, और सब यहाँ कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ों में माहिर है, क्योंकि ये सारे बच्चे जब ड्राइंग करने के लिए नीचे आते हैं ना तो सारा चीज़ दिखता है, ये सभी मिलते हैं कई बार, तो ये लोग डांस का मज़ा ले रहे हैं। और अनय को हल्का पेट दुख रहा था पता नहीं किस वजह से, तो इसके लिए वो थोड़ा आराम कर रहा है, और बच्चे लोग यहाँ उधम कर रहे हैं, पृथ्वी, अभिषेक, पुष्कर, मौनी, ये सारे लोग, आर्या भी अभी रेडी हो रही है, पापा जी यहाँ बैठे हैं, द्विज खींच रहा है मम्मी को डांस करने के लिए। तो अनय को अभी मैं दिखा के लेके आया, उसका पेट दुख रहा था तो किसी ने कहा उसका गोला खिसक गया है, बट देखते हैं ये तो मेरे ख्याल से वो ठीक हो गया है अब, क्योंकि वो जब दुखता है तो बहुत ही गंदा दुखता है, और ये हमने जो वॉल पेंट किया अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो चल ही रहा है। तो अब थोड़ी देर में केक कटिंग का सेशन रखेंगे, फिर उसके बाद तो यहाँ हमारी आरू मैडम चुटकू ले रही है। अनय आज 8 साल के हो गए हैं, अनय का पहला बर्थडे जो है वो हमने मनाया था जबलपुर में, उनके मामा सभी लोगों ने, वो बड़ा सेलिब्रेशन था। फिर सेकेंड बर्थडे हमने मनाया आई थिंक मुंबई में, सेकेंड और थर्ड हमने मनाया था मुंबई में,
और बर्थडे के लिए हम लोग आ गए थे तब। उसके पहले शिल्पा परी हम लोगों ने मनाया था मैं के आने से पहले, क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टी में हम लोग शिफ्ट किए थे कोविड से पहले, कोविड के एक डेढ़ साल पहले। तो वो सारी चीज़ें हैं, मेमोरीज़, हर साल की कुछ ना कुछ मेमोरीज़ होती हैं। बर्थडे पे सारे लोग आते हैं और अभी यहाँ के बच्चे हैं ढेर सारे, तो आज स्कूल में भी उसने खूब धमाल किया। स्कूल में इस साल 50 बच्चे हैं और ये चीज़ें हैं। ये हम छोटे छोटे पार्ट्स को इसमें इस वीडियो के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से रख रहे हैं। यहाँ हेत है और ये बच्चे लोग डांस करने में लगे हैं। आर्या को खूब केक का खूब उसको मज़ा आता है, उसको केक काटने में, केक खाने में बड़ा इंटरेस्ट है। फिर से दुख रहा है राम, शायद घर पे। तो बस अब थोड़ी देर में हम केक कटिंग करेंगे। बच्चे लोगों को ज़्यादा देर तक होल्ड करके भी नहीं रख सकते। और ये है हमारा डेकोरेशन जो पूरा दिख रहा है। चलो रेडी, हैप्पी बर्थडे किसका है? बर्थडे बॉय कौन है? ये बर्थडे बॉय कहाँ है? अरे बर्थडे बॉय अन्ना, तो हाँ बर्थडे बॉय को बर्थडे बम पड़ रहे हैं और वो गुस्से में पीछे मारा मारी करने चला गया। तो बच्चों के उधम मस्ती ऐसे ही चलते रहते हैं। तो होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और अनय को अपना आशीर्वाद दें। और ये लोग सब डांस के मूड में लग रहे हैं। तो इसमें देवराज और कई सारे बच्चे नहीं आए हैं जो लोग हमेशा होते हैं गेम के टाइम पे, और कई दिनों से देवराज दिखा भी नहीं था इसके लिए। वो फिर यूवी ये सब लोग दिखे नहीं, हेमंत चला गया बेंगलोर। तो अभी इनका ये छोटा ग्रुप ये है बच्चों का। तो इसी के साथ जब भी नीचे समय मिलता है तो ये सारे लोगों की गैंग है, ये लोग खेलते रहते हैं। और यही बच्चे लोग हैं जो पहले मैंने बताया था वीडियोस में जो दिखते हैं, वो लोग उसमें आ ड्राइंग करने के लिए। तो अब हमारा केक कटिंग सेशन शुरू हो गया है। केक हम इस बार लेके आए हबीब से, और बस अभी पापा जी अन्य को तिलक लगा के दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये वेस्टर्न परंपरा है जो हमें पता है, लेकिन जो इंडियन परंपरा है, भारतीय परंपरा है, तिलक लगाना हुआ ये करना वो पहले होना चाहिए, तो इसलिए वो होता है और सभी से आशीर्वाद लेने का काम। और फिर एक्चुअली केक कटिंग का जो एक मसला है ये बच्चों का गेट टुगेदर का ही मसला है, बाकी उसमें ऐसा कुछ तो मुझे लगता नहीं है। और साल में एक बार आता है तो वो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। तो इसके लिए और जहाँ से भी खुशियाँ बटोरने को मिले ज़रूर बटोर लेना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। तो एक सारे बच्चों का गेट टुगेदर होना, सारे बच्चों का एक साथ होना, वो भी मायने रखता है। आर्या अनय देखते देखते 8 साल बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। अनय ने वहाँ उमिया नगर में समा में भी उसने खूब उदम मचाया जब वो करीब 1.25 साल का था, तब वहाँ पे धवल ये लोग सभी लोग हुआ करते थे, सब लोग वहाँ पे हैं अभी भी। तो उस समय खूब धमाल मचाता था। तो बस अब केक कटिंग के साथ बच्चे लोगों ने बैलून फोड़ना शुरू कर दिया है।
बैलून फोड़ने में पता नहीं इन लोगों को क्या मजा आता है, पर ये भी एक सेलिब्रेशन का पार्ट है। तो बस अभी इन सब की पार्टी शुरू होने वाली है खाने पीने की। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा होगा, तो हम चाहते हैं पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और भाभी लोग, आंटी लोग, सभी लोग वहाँ व्यवस्थाओं में लगे हैं। अंकल यहाँ बैठे हैं, पापा के साथ बातें कर रहे हैं। तो कई बार ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जब बड़े हों घर पे, पर ये है वो बच्चा जो उधम करता रहता है, उसको पता नहीं कुछ तो दिख रहा है उधर, उधर है गैस तो इसलिए उसको उधर बैठने बोल रहे हैं। तो यहाँ बच्चों का खाने पीने का ये चल रहा। आरू क्या खा रही है, क्या पी रही है? कोल्ड ड्रिंक, उसको बड़ा मज़ा आता है कोल्ड ड्रिंक में, हालांकि अभी देना नहीं चाहिए पर वो पीती है, बहुत रेयर पीती है। जब उसको फेंटा या स्प्राइट दिया जाता है या कोक। तो होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और यूट्यूब परिवार को प्यार देते रहिए, अनय को आशीर्वाद देते रहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी अभी हमें पता चला है कि हमें बाहर जाना है, वापस यहाँ प्रेमावती आए और अभी हमें मिल गया समोसा। तो वहाँ बोला है पार्सल लेके अभी अपन जाएंगे। कहाँ कहाँ भटक के आए अपन, कहाँ कहाँ घूमे? कृष्णा के समोसे, मिलन के समोसे, प्रेमवती में आए। प्रेमवती में हम आए 10 मिनट पहले, तभी स्टॉक खत्म हो गया था। अभी वापस क्या है, लकीली हमें मिला। तो हमने ले लिए हैं समोसे यहाँ से, अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और कमेंट्स के ज़रिए प्यार देते रहिए, यूट्यूब परिवार को बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।